अभी मैं बनाने वाली हूँ टीचर्स डे के लिए हैंडमेड एनवेलप पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन कलर का पेपर और मैं यहाँ इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं फोल्ड करूँगी। अब ये इस तरह से हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कुछ फोल्ड अभी मैंने किया था आप लोग के सामने। इसके बाद अब मैं इसको स्ट्रेट साइड फोल्ड करूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब मैंने इस तरफ इसको फोल्ड किया है। बहुत ही क्यूट सा हमारा एनवेलप रेडी होने वाला है। तो हम लोग बना रहे हैं अभी। तो देखिए, तो अब ये इस तरह से हमारा फोल्ड हो चुका है। फोल्ड होने के बाद अब इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करना है जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फोल्ड करूँगी मैं। बहुत जल्दी जल्दी फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि पहले मैंने फ्रेंडशिप डे पर कुछ क्राफ्टिंग की थी तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी थी। इस वजह से कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या फ़ोल्ड कर रही हूँ और क्या नहीं। तो आज फिर मैं इसको अपनी वीडियो ले गई हूँ। मैंने शॉर्ट आज नहीं बनाया है, मैंने वीडियो बनाई है पूरा ट्यूटोरियल ताकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ मैं इसको इस तरह से अब ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी और अब जो नीचे वाला जो पार्ट है अब मैं उसको भी फोल्ड करूँगी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड किया है। अच्छा, अब नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रिप के जैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और अब मैं इसको बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर लूँगी जैसे मैंने अभी अपना ऊपर वाला पार्ट फोल्ड किया था। और यहाँ देखें, अब ये यहाँ तक रेडी हो गया है हमारा। अब क्या करना है, अब इसके नीचे वाले पार्ट को हाफ़ हमने इधर से फोल्ड करना है। ये हो गया है हमारा यहाँ पर रेडी, मगर ये भी पूरा तरह से रेडी नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ ग्लू और यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्लू लगा दूँगी। ग्लू स्टिक से ये पेस्ट नहीं होगा, इसको कोई लिक्विड ग्लू या कोई क्लियर ग्लू इस तरह से लगानी होगी। मेरे पास यहाँ लिक्विड ग्लू है तो मैं लिक्विड ग्लू यहाँ लगा देती हूँ अच्छे से ताकि ये पेस्ट हो जाए अच्छे से, बार बार ख़राब ना हो। वो देखिए, तो अब इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाए। 5 मिनट्स के बाद अब मैं लूँगी स्टिकी नोट्स। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल वाली स्टिकी नोट्स लिए हैं। स्टिकी नोट्स लेने के बाद अब मैं इसके शेप को कुछ कट कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरह से यहाँ कट कर दिया है थोड़ी डिज़ाइनिंग से और यहाँ कोई भी कैप्शन लिख दी हूँ मैंने, यू आर माई बेस्ट टीचर, यू ऑलवेज हेल्प मी, एंड पीछे मैंने यहाँ हैप्पी टीचर्स डे लिख दिया है। और अब मैं इसको एनवेलप के अंदर रख देती हूँ। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो अब मैं इसको जो हूँ यहाँ डबल साइडेड मैंने टेप लगाया ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए यहाँ पर भी हमारा एनवेलप, बार बार खुले ना। डबल साइडेड टेप को अब मैं हटा लेती हूँ। तो देखें, तो अब यहाँ पर ये आराम से बिल्कुल पेस्ट हो रहा है। और अब इसकी मैंने बैक साइड भी कुछ अच्छे से डेकोरेट कर दी है। तो कैसी लगी आज की क्राफ्टिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।